दोस्तों, हमारे इस दुनिया में लोग तरह तरह के त्योहारों और रीति रिवाजों को मानते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही त्योहार के बारे में बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप अचंभित रह जाएंगे। ये त्योहार लाशों के साथ मनाया जाता है। यह थोड़ा अजीब है पर सच है। ये त्योहार तुराजा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जिसे मानेने फेस्टिवल के तौर पर जाना जाता है। तो चलिए और भी गहराई से जानते हैं इस त्योहार के बारे में। मानेने त्योहार का उद्देश्य मृतक परिजनों की यादों को समर्पित करना है और उनकी आत्माओं को शांति देना है। मानेने उत्सव सालाना अगस्त के महीने में मनाया जाता है। इस उत्सव में लोग मृतक परिजनों के शवों को निकालकर धूप में सुखाते हैं। यह एक सामूहिक कार्य होता है जिसमें परिवार और दोस्त साथ मिलकर शव की यात्रा की तैयारी में जुटते हैं। इसके बाद शव को उनकी आखिरी स्थान में रखा जाता है और संबंधित परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाता है। इस फेस्टिवल की शुरुआत आज से लगभग 100 साल पहले हुई थी। इस त्योहार को मनाने वाले लोगों के मुताबिक 100 साल पहले गांव में टोराजन जनजाति का एक शिकारी पोंग रूमा से जंगल में शिकार के लिए गया था। तब उस शिकारी को बीच जंगल में एक लाश दिखी जो बेहद ही सड़ी गली हालत में थी। लाश को देखकर रूमा से रुक गया। उसने लाश को अपने कपड़े पहनाकर अंतिम संस्कार कर दिया। तब से ही रूमा से की जिंदगी में बदलाव आए और उसकी बदहाली भी खत्म हो गई। इसके बाद से ही टोराजन जनजाति के लोगों में अपने पूर्वजों की लाशों को सजाने की प्रथा शुरू हो गई। मान्यता है कि लाश की देखभाल करने पर पूर्वजों की आत्माएं आशीर्वाद देती है। मानेने उत्सव टोराजा समुदाय के लोगों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे वे अपने पूर्वजों के साथ जुड़े रहते हैं। यह उत्सव उनकी परंपराओं को जीवंत रखने में मदद करता है और नई पीढ़ियों को उनके धरोहर के प्रति संवेदनशील बनाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतने ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।